कोई अगर तुमसे कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोलता है या वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जल्दी कर। जनाब आ जाइए, सब खैरत है। हो जाओ, क्या करे, हमारी फिजरत है, कोई निशान पीछे नहीं छोड़ते। चलिए जनाब, या आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अल्ताफ, अपने जबान को लगाम दे, ये मेरा प्लान है, कभी फेल नहीं हो सकता। खुदा कसम, आप दुश्मन का बचना नामुमकिन है। उन लोगों को लगता है शिवम पार्ट में सिर्फ एक आतंकवादी है, लेकिन उनको क्या पता हम भी तो है। जी जनाब, सही फरमाया, पूरे हिंदुस्तान को आग लगा देंगे। हकीम अल्ताफ। जी जनाब। तुम दोनों जाओ और नेशनल हाईवे को ब्लास्ट कर दो। जी जनाब। जनाब इससे क्या होगा? सुना है यहाँ का नेशनल हाईवे बहुत फेमस है, इसी से सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसे उड़ा लीजिए तो सारा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। बात समझ में आई? जी जनाब। जी जनाब। तुम दोनों तैयार हो जाओ और इस काम को अंजाम दो। जी जनाब। जी जनाब। भारत में चुनाव है, चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरे जवानों की बलि तो चढ़ा दी, मगर ये बलि अब उनके गले की हड्डी बन गई है। ना उगले चैन आ रहे, ना निगले चैन आ रहे। आया था बड़े पाकिस्तान को सबक सिखाने, गिर पड़े नालायक कहीं के। चाय वाले मोदी की टांगे जरूर काफी होगी कि अगर पाकिस्तान सेना ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी और एक था हिंदुस्तान ना हो जाए। मुलायम लहजे में बड़े प्यार से हमारे वजीर आजम ने मोदी को चुनौती दे दी है। हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच ले मोदी, कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे बड़े मुल्क के छोटे आदमी, क्योंकि हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन करते हैं। अब इन पाक मीडिया वालों को भी कौन समझे कि जनता शांति से जीना चाहती है, लेकिन लगता है ये युद्ध करवा के ही छोड़ देंगे। सही बात, इस मोहतरमा को जरा समझाओ। भले हमारे पीएम चाय वाले हैं, लेकिन वो पीएम अपनी मेहनत और अपने दम पर बने हैं, ना कि किसी पड़ोसी मुल्क की खैरात लेके बैठे हैं। और जितने इनके पीएम के फोटोग्राफ्स नहीं मिलेंगे ना, उतने तो मोदी जी के अचीवमेंट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही बात, कहीं
भारत भी हमें ना दिलवा दे बड़े मुल्क के छोटे आदमी, क्योंकि हम गोली पर नहीं। यस कविन। जय हिंद मैडम। जय हिंद कमांडर मुनिया। बताओ क्या खबर ला रहे हो? मैडम मुझे खबर मिली है कि कुछ आतंकवादी हमारे देश में हमला करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान सेना ने जवाब दे दिया तो एक हमूदी और एक हिंदुस्तान ना हो जाए। और उनमें से उनका एक साथी उनको अभी भी कांटेक्ट कर रहा है। और कौन सी खबर है? और कुछ नहीं, सिर्फ ये नक्शा मिला है। बाय द वे, ये नक्शा तुमने कहाँ से मिला? सीएम पार्क में लोगों से पूछताछ के वक्त। क्या तौरी में? शिवम पार्क में। यस मैडम। एनीथिंग इज सीरियस मैम। कमांडर मुनिया टेक योर सीट। यस मैडम। हाँ तो कमांडर ध्रुवी, तुम कुछ कह रही थी? एनीथिंग इज सीरियस। आई थिंक इट इज सीरियस। उन आतंकवादियों का अगला टारगेट उस साथ में आतंकवादी को छुड़ाना ही हो सकता है। लेकिन ये आप कैसे कह सकती हूँ मैं? इस ड्राइंग को ध्यान से देखो, इसमें उगते सूरज का मतलब है सुबह का वक्त। और ये सारी ड्राइंग कुछ समझ नहीं आती मैडम, ये पीछे के लिख रहे। पीछे? ये राइटिंग तो उर्दू की लगती है। क्या आप में से कोई उर्दू जानता है? ध्रुवी तुम? नो मैडम। शीरा? नो मैडम। मुझे मालूम था कि ये सिचुएशन आने वाली है, इसलिए मैंने मौलवी साहब को साथ में बुला लिया था। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? देखो यार, तुम यहाँ किसी को भी लाया मत करो, फिर आप कहे तो वापिस भेज दो। नहीं, अब बुला है तो आने दो, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। मौलवी साहब अंदर आ जाइए। आमा मिया, हम तो अंदर आ गए, और कितना अंदर बुलाओगे? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सॉरी मैडम। आइए मौलवी साहब, तशरीफ रखिए। आबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लीजिए, रख दी हमारी तशरीफ। अजी फरमाइए मैडम, क्या खिदमत है हमारे लिए? मौलवी साहब, ये कुछ हमारे खातिरदारों ने नक्शा भेजा है जो उर्दू में है, तो आप क्या इस पर गौर फरमाएंगे? जी बताइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तो उर्दू के मास्टर है। टाइम पास मत करो, जल्दी से पढ़ के दिखा। आमा मिया, इसको बहुत जल्दी है, इसको बांध के रखो यार। माफ कीजिए मालिक साहब, आप जरा गौर फरमाइए। मजनू की कहानी जैसा लग रहा है। पहाड़ी वाले बाबा, पहाड़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे लाल गुलाब का फूल। मैडम कोई प्रोग्राम है क्या?
ऐसा हो तो हमें ठीक है मौलवी साहब, आप जा सकते हैं। हाँ मामिया, सिर्फ इतना ही था, हमारे पास इतना सारा काम पड़ा है ना। चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर बुला लेना। Hands up. अपनी बंदूक नीचे करो। Take down your gun. तुम समझ में नहीं आ रहा था, तुमको समझ में आता ना तो तुम मैडम की जगह पर बैठी थी। शट अप, ये मजाक का वक्त नहीं है, सॉरी मैडम। सुन लिया ना तुम भी, सॉरी मैडम। पहाड़ी वाले बाबा, पहाड़ी पे सीढ़ी पे लाल गुलाब का फूल, बाबा यानी उस सातवें आतंकवादी का नाम भी हो सकता है। पहाड़ी पे सीढ़ी मैडम, ये लाल गुलाब को मतलब क्या? ध्रुवी आज कौन सी डेट है? 14th फरवरी। 14th फरवरी यानी वैलेंटाइन्स डे। तो गुलाब का मतलब हो सकता है वैलेंटाइन्स डे और लाल का मतलब हो सकता है खून। लगता है इन आतंकवादी कभी नहीं सुधरे, सालों को इतनी मार पड़ी तो भी। इंडियन आर्मी। कौन हो तुम? गन बाजू कर। Thank you.
कोई अगर तुमसे कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोलता है या वो है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सोल्जर्स, यस मैडम। ये रास्ता थोड़ा डेंजर है, पर यही रास्ता शिवम पार्क तक पहुंचने का शॉर्टकट है, इसलिए हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये रास्ता जितना शॉर्टकट है उतना मुश्किल भी है, इसलिए सब सावधान हो जाना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैडम, हम जरूर आगे बढ़ेंगे इन छोटे से ब्रेक के। अरे यार, इसे भी अभी लगनी थी हमें शिवम पार्क तक पहुंचना। और ये भी मैडम, वो देखिए। अरे वहाँ कहाँ बुला रहा है? मैडम जी, जल्दी आइए। जरा देखो तो, क्या हो गया? वो देखिए। अरे ये क्या कर दिया? चल हटा तेरी गन। हमारा शक सही निकला, वो लोग इसी रास्ते से आए हैं। यू आर राइट मैडम, मुझे भी ऐसा लगता है। चिराग, ध्रुवी, हरेश। यस मैडम। तुम तीनों अब पहले से ज्यादा सावधान हो जाओ, वो आतंकवादी हमें इसी रास्ते में मिल सकते हैं। इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी अनजानी चीज दिखे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्मेशन दो। यस मैडम। क्या ढूंढ रहे हो मैडम, कुछ हो गया क्या? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना, ये भी तो एक सबसे बड़ा काम है। बस मैं वही करता हूँ। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ, कौन हो तुम? क्या आपने यहाँ पे किसी अनजान लोगों को आते जाते देखा? अनजान? मेरे लिए तो सारी दुनिया अनजान है, कब कौन कहाँ उठ जाए क्या मालूम। क्यों, क्या हुआ? हमें खबर मिली है कि सरहद पार से कुछ घुसपैठी हमारे इलाके में दाखिल हुए हैं और हमें उनकी तलाश। रहने दो, इन्हें बताने की कुछ जरूरत नहीं। यहाँ टाइम बर्बाद करने से अच्छा है हम हमारा काम करें। वैसे भी आदमी मुझे पागल लगता है। चलो। पागल? सारी दुनिया पागल। मरेंगे, सब मरेंगे। मैडम, मुझे तो आदमी पागल ही नहीं, अकड़ू भी लगता है। सही बात। चलो चलते हैं। अरे ओ काका जी, आपकी माचिस लगे फिर केनावत मैंने ले ली थी। अरे यार, माचिस ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख दो उधर।
ए रुक, उधर का रख रहा है, ला दे मुझे। ये माचिस तो इससे क्या करेगा, ये अब भी क्या मैडम, मैं ऐसा कह रहा था। मजाक का वक्त है ये। सॉरी मैडम। ये माचिस की डिब्बी पे तो नहीं, पर इस डिब्बी पे पाकिस्तान की मोहर सबसे बड़ी बात है। ठीक कह रही है मैडम। रिलैक्स, लगता है वो लोग शिवम पार्क तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हमें जल्द से जल्द वहां पे पहुंचना होगा। सोल्जर्स कम ऑन, हरी अप। अरे मैडम, वो काका जी, पकड़ो उसे। रहने दो, अब उनसे मुलाकात शिवम पार्क में ही होगी। कम ऑन बॉयज, हरी अप। पर बोला है ना तुम्हें, पबजी खेलने आए हैं इधर, कहा था ना सावधान होके आना। सॉरी मैडम। वह भाई जान के निशाना लगाया है। कम ऑन ध्रुवी, उड़ा दो सालों को। अबे तेरी माँ की। Come on!
खोल के सुन लो। हमने आपके मुल्क में घुसकर आपके जॉन को कुत्ते की मौत मारा है। हम ऐसे ही कहर बरसाते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। सातवां आतंकवादी। सही पहचाना। तुम ही ना हमारे जवानों को मारा है। मारा नहीं, कुत्ते की मौत मारा है। अबे साला तेरी तो। अरे रुको, थोड़ा सब्र करो। इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? अपने कैप्टन को बचाने आए थे ना। वो तो कब के हवा में उड़ के राख हो गए। अबे साले बकवास बंद कर वरना गोली से उड़ा दूंगी। कोई फायदा नहीं है, हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तू भी उसी तरह से मरेगी जिस तरह से तेरे कैप्टन मरे थे। बहुत मजा आया तुम्हारे लोगों को मारने में। अब क्यों ना तुम्हें मारने से पहले एक सिगरेट पी ली जाए। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे? बहुत खूब, ये लो। खजूर समझ कर रखा है क्या? इंडियन आर्मी फ्रॉम। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who want